स्वागत नहीं करोगे हमारा हमारे खुद की चैनल लाइट्स आउट में। मैं पीयूष चौधरी और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपके 4 घंटे ब्लडी ब्रदर्स के पीछे देने चाहिए या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जग्गी और दलजीत नाम के 2 भाइयों से, जो टल्ली होकर गाड़ी चला रहे होते हैं और उसी चक्कर में चाचा शैमिल को उड़ा देते हैं और जिनके मर्डर की ओर सारी कहानी घूमती रहती है। ये दोनों भाई उस मर्डर को कवर अप करने में इतना रायता फैला देते हैं कि खुद ही उसमें उलझ जाते हैं। और कहानी का सबसे मजेदार पार्ट तो तब आता है जब अपने दलजीत भैया उससे चाचा के भतीजे के प्यार में पगलट बन जाते हैं। अरे आपने कभी ऐसा देखा है कि आप जिसका मर्डर करो उसी की भतीजे से प्यार करो? अरे भैया रहने दो, मारे जाओगे। मुझे इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग किरदार सैमुअल जी की पड़ोसन शीला जी लगी और मैंने आज तक इतने लालची औरत कभी देखी ही नहीं। और सोफी जी का तो क्या कहना, वो आपको हर एक मिनट में झटके देती रहेंगी। अरे बस कर सोफी, मारेगी क्या। तो अब बात करते हैं कुछ साइड्स कैरेक्टर की, जिसमें सबसे पहले आते हैं जग्गी जी की पत्नी प्रिया जी, जो अपने पति से बिल्कुल ही खुश नहीं है क्योंकि वो उनको समय नहीं दे पाते हैं। तो वो प्यार में पड़ जाती है किसी और की। अरे भाई वो लड़का नहीं लड़की है। और इस कहानी का सबसे मजेदार किरदार दुष्यंत जी, जो आपको उनको शाबाशी देने के लिए एक बार तो मजबूर कर ही देंगे। और आखिर में आते हैं अपने विलन हांडा जी, जो इस सीरीज में 4 चांद ही लगा देते हैं। इस कहानी में जग्गी जी का किरदार निभाया है जयदीप अहलावत जी, दलजीत जी का किरदार निभाया है अयूब जी ने, सोफी जी का किरदार निभाया है टीना देसाई ने, प्रिया जी का किरदार निभाया है श्रुति सेठ ने, दुष्यंत का किरदार निभाया है जितेंद्र जोशी ने और हमारे हांडा साहब का किरदार निभाया है सतीश कौशिक जी ने। इस फिल्म का टाइटल ब्लडी ब्रदर्स क्यों रखा? इसको देख लेने के लिए तो आपको क्लाइमेक्स का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। तो मेरी तरफ से इस कहानी को मिलेंगे 5 में से 3.5 स्टार। पहला स्टार मिलेगा राइटिंग के लिए, जो कि बेहद ही परफेक्ट है, जो आपको स्टोरी से लास्ट तक अटैच करके रखती है। दूसरा स्टार मिलेगा स्टार कास्टिंग के लिए, क्या परफेक्ट स्टार कास्ट क्यों नहीं है डायरेक्टर ने, कितने छोटे छोटे कलाकारों को अनडायरेक्ट किया जा रहा था, उन्हें सबको लेके बवाल मचा दिए भैया जी। तीसरा स्टार मिलेगा लोकेशन के लिए, जो लोकेशन इस सीरीज के लिए यूज़ की गई है वो आपको दिल को बेहद ही सुकून दे रही है। आधा स्टार मेरी तरफ से हमारे जयदीप अहलावत जी को, क्योंकि मैं पर्सनली उनकी एक्टिंग का बहुत बढ़िया फैन रहा। 1 स्टार कटेगा सीरीज को डार्क कॉमेडी के नाम पर बेचने के लिए, क्योंकि इसमें कॉमेडी के नाम पर कुछ ही नहीं। और आधा स्टार कटेगा बेहद बोरिंग बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर एक बार टाइम निकाल के इस सीरीज़ को देखिए, वो भी फैमिली के साथ। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।